ألف ليلى ہر شب نئی کہانی دلچسپ ہے بیانی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن نہ ہو پرانی خاص شب تار حاضر ہوں ملکہ حمیرہ میرا محبوب اٹھتے ہی پانی مانگتا ہے جیسے ہی وہ جاگے اسے یہ پانی پلا دینا جو حکم ملکہ حمیرہ یہ میں کہاں ہوں یہ جگہ کون سی ہے تم فرج جہاں باری یہ جگہ کون سی ہے میں یہاں کیسے آیا تم یہاں کیسے مجھے محترم سندباد نے تمہاری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہے ملکہ حمیرہ نے صفوفی شیطانی پلا کر تمہاری یادداشت چھین لی تھی اب پاک مقدس آب زمزم تمہیں پلایا ہے تو سب شیطانی اثر غائب ہو گیا ہے ہاں میری یادداشت واپس آ گئی ہے میں طالب ہوں ہاں ہاں تم شہزادہ طالب ہی ہو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے اپنے اس بے بس بندے طالب کو بچا لیا طیبہ میری طیبہ کیسی ہے اس کی حالت بڑی نازک ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے ہر پل موت اس کے نزدیک آ رہی ہے ملکہ حمیرہ اسی محل میں موجود ہے تم اسے تیسرا موتی حاصل کرو میں تمہاری مدد کرتی ہوں چلو میرے ساتھ چلو حمیرہ ملکہ حمیرہ آؤ آؤ میرے محبوب حبائل حبائل نہیں طالب ہوں میں شاہ ہارون آباد کا شہزادہ طالب اپنی طیبہ کا طالب او میرے شیطانی خدا یہ کیا ہو گیا یہ کیا سن رہی ہوں میں میرے اللہ کے فضل و کرم سے اور آب زمزم کی برکت سے مجھ پر سے شیطانی اثر غائب ہو گیا ہے اور میری یادداشت واپس آ گئی ہے یہ ناممکن ہے ناممکن کو ممکن تو صرف اللہ کے بندے ہی بنا سکتے ہیں ملکہ حمیرہ او تو یہ سب تو نے کیا ہے میں تجھے ختم کر دوں گی ہاتھ بن جائے حمیرہ کی بے بس ہو جائے حمیرہ جادو نہ کر سکے حمیرہ اچھا نہیں کیا فرج جہاں باری میں تجھے ختم کر دوں گی ظالم ملکہ حمیرہ اپنے ظلم کو ختم کر اور مجھے طیبہ کا تیسرا موتی دے دے نہیں دوں گی تو میں تجھے مار کر تیرے دل سے تیسرا موتی نکال لوں گا حمیرہ بھاگ جا
मोहतरम सिंधबाद, मेरे मोहतरम, खुदा का शुक्र है तालिब के पाक आबे जमजम की बरकत से शैतानी असर गायब हो गया और तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। हाँ, लेकिन मेरे मोहतरम मोहसिन मददगार सिंधबाद, वो जलील जालिम हमीरा अपने तिलस्मी महल के साथ गायब हो गई है। आज आखिरी दिन है, अब क्या होगा? हमीरा कहां गई होगी? मैं अभी पता लगाता हूं तालिब, अभी पता लगाता हूं। ऐ मुखबिर जिन जहां दीदा, हाजिर हो, जाहिर हो, हाजिर हो। हाजिर हूं मेरे आका, बता क्या खबर दूं? मुखबिर जिन जहां दीदा, बता इस वक्त मलिका हमीरा कहां है? मलिका हमीरा इस वक्त कोई इब्लिस में है, अपने शैतानी खुदा की पनाह में। उस मलून शैतानी खुदा के पास कोई इब्लिस में शहजादा तालिब कैसे पहुंच सकता है? वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है मेरे आका। शैतानी खुदा की गार में कोई भी इंसान जिंदा नहीं जा सकता, सिर्फ मरा हुआ इंसान जा सकता है, इंसान की लाश जा सकती है। लाश? मुर्दा इंसान? हां मेरे आका, कोहे इब्लिस के पहरेदार शहजादा तालिब के इंतजार में हैं। मलिका हमीरा ने पहरेदारों को हुक्म दिया है कि तालिब आए तो उसे मारकर उसकी लाश लेकर आओ। वैसे भी उस शैतानी गार में कोई भी जिंदा इंसान अंदर नहीं जा सकता, जिन्नात भी नहीं जा सकते। मुखबिर जिन जहां दीदा, अब तू जा, अब तेरा काम खत्म हुआ। शुक्रिया मेरे आका, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे आका, शुक्रिया। शहजादा तालिब, ये तिलस्मी नगीना है और इसकी तासीर यह है कि जब तुम इस नगीने को अपनी मुट्ठी में बंद कर लोगे, तुम्हारा जिस्म लाश बन जाएगा और फिर अपनी चाहत से जब तुम मुट्ठी खोलोगे तो फिर तुम अपनी असली हालत में जिंदा नजर आओगे। लेकिन लेकिन मैं कोहे इब्लीस पहुंचूंगा कैसे? तुम मेरी हवाई कश्ती में वहां तक पहुंचोगे और ये शमशीर सुलेमानी लो। इस शमशीर से तुम उस शैतान के टुकड़े टुकड़े करके आना। शहजादा तालिब, इस वक्त तुम बहुत ही मुश्किल इम्तहान से गुजर रहे हो। शहजादी तैयबा की जिंदगी एक एक सांस गिन रही है। वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। सिर्फ आने वाला कल का एक ही दिन बाकी बचा है और तीसरा मोती हासिल करने की मंजिल बहुत दूर है। लेकिन याद रखो तालिब, इस सफर में तुम अकेले नहीं हो, मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करेगा। आमीन। तालिब जाओ। मेरे मोहतरम मोहसिन मददगार सिंधबाद, मैं तुम्हारा बहुत बहुत एहसान मंद हूं। शहजादी फरहत जहांबारी, मैं तुम्हारा भी बहुत बहुत एहसान मंद हूं कि अल्लाह के फजलो करम से मेरे इस बुरे वक्त में तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह मुहाफिज, अल्लाह मुहाफिज।
दोस्त नेकबख्त, तू कुछ देर के लिए कहीं छुप जा। मैं मोहतरम सिंधबाद का दिया हुआ हीरा अपनी मुट्ठी में बंद कर लूंगा और कुछ देर के लिए बेजान हो जाऊंगा। शैतान की औलादें मेरी आवाज सुनकर आ जाएंगी और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा शहजादा तालिब, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तो मारने से पहले ही मर गया। खबरदार, ये आदमजात बड़े धोखेबाज और चालाक होते हैं, कहीं इसमें इसकी कोई चाल ना हो। चलो पहले इसे ठीक तरह से जांच लेते हैं। आदमजात शहजादा तालिब मर गया। आदमजात शहजादा तालिब मर गया। चलो इस लाश को उठाकर अपने शैतानी खुदा और मलका हमीरा के हुजूर में पेश करें। चलो चलो, चलो उठा। ए मेरे परस्तिश, मेरे शैतानी खुदा, तूने सच कहा था कि तालिब यहां जरूर आएगा लेकिन जिंदा नहीं, उसकी लाश आएगी। और आज इस अल्लाह के बंदे तालिब की लाश आ ही गई है। आज मेरा बदला कामयाब हो गया। ये कामयाबी तुझे मुबारक हो मलिका हमीरा। अब इस शैतान के दुश्मन अल्लाह के बंदे तालिब का सर काट कर मेरे कदमों में रख दे। सर तुम नहीं काटोगे, अपने इस नाफरमान महबूब का सर मैं खुद काटूंगी ताकि मेरे जज्बाए इंतकाम को सुकून मिले। सख्त जान है ये अल्लाह का बंदा, हम बार बार इसे मारते हैं और ये हम शैतानों से मरता ही नहीं। नहीं मरा तो अब मर जाएगा, मार डालो इसे। या अल्लाह कर मदद। मदद।
हमीरा, मुझे तीसरा मोती दे दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तीसरा मोती मैं तुझे जरूर दूंगी, मगर तैयबा के मरने के बाद। मर्दूद मलून शैतान औरत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दे मुझे तीसरा मोती। नहीं दूंगी मलिका हमीरा। मलिका हमीरा, आजा 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 मेरी पनाह में। हमीरा, हमीरा कहाँ है तू? सामने आ हमीरा, मुझे तीसरा मोती दे दे। हमीरा मुझे तीसरा मोती दे दे, तैयबा की जिंदगी से ना खेल, तीसरा मोती दे दे मुझे। शैतानी खुदा की परस्तार मलिका हमीरा, अब अपने शैतानी खुदा की पनाह में है। ऐ अल्लाह के बंदे, अब तेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए तीसरा मोती लेने का ख्याल दिल से निकाल दे। अब तैयबा बहुत छोटी हो गई है, वो मर जाएगी। या अल्लाह, या अल्लाह, रहम कर तू मेरी तैयबा पर। के तू बार बार अल्लाह का नाम मेरे सामने न ले, मेरा नाम ले, शैतानी खुदा का नाम ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मैं माबूद हूं। नहीं माबूद कोई सिवा अल्लाह के। मैं लानत भेजता हूं तुझ पर, शैतान मर्दूत पर। तेरा गंदा नाम लेने से साफ जबान गंदी हो जाती है, और अल्लाह का पाक नाम लेने से जबान पाक रहती है। अपनी जुबान बंद रख ऐ अल्लाह के मानने वाले। ये जबान जिस पर सच्चे खुदा का नाम है, जालिम गुनहगार झूठे शैतानी खुदाओं के खिलाफ हमेशा बोलती रहेगी। ये दिल जिसमें ईमान की रोशनी है, ये रोशनी शैतानी अंधेरे को हमेशा दूर करती रहेगी। और ये हाथ जिसमें तलवार सुलेमानी है, ये तुझे और तेरी परस्तार हमीरा को जहन्नुम तक जरूर पहुंचाएंगे। जहन्नुम की बात छोड़, मुझसे जन्नत का सौदा कर ले। मैं तुझे इसी दुनिया में अपनी शैतानी जन्नत दे दूंगा। शहजादा तालिब, मैं तेरी सल्तनत से बड़ी सल्तनत हुकूमत तुझे दे दूंगा। ये गुनाहों का जहन्नुमी लालच मुझ अल्लाह के बंदे के ईमान को नहीं खरीद सकता। मैं तुझ जैसे झूठे जालिम गुनहगार शैतानी खुदा को मारकर इस जमीन के एक शैतान को तो खत्म कर दूं, ताकि तू अल्लाह के मासूम बंदों को अल्लाह की तौहीद से गुमराह न कर सके। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मिटा दूंगा, चला दूंगा।